हाँ जी, छोटी माँ तब आएगी जब तुम आवाहन करोगे, माँ को बुलाओगे। वो तो बड़ा आदमी है ना, है बाबा तो बिना बुलाए आ जाता है, ये छोटी सी बिंदी है, हैं? बाबा हर एक धर्म का पूर्वज अलग अलग है, प्रजापिता है। हर धर्म के पूर्वज अलग अलग हैं, लेकिन जो भी पूर्वज हैं वो सब सूर्यवंशी हैं। क्या ऐसे नहीं इस्लाम धर्म का पूर्वज इस्लामी होगा, बौद्ध धर्म का पूर्वज बौद्धी होगा। हर धर्म के पूर्वज, सबसे पहले जन्म लेने वाले कहाँ हैं, कौन से वंश में हैं? सूर्यवंश में। और सूर्यवंश कहाँ होता है? जहाँ ज्ञान सूर्य का ही राज्य होता है वहाँ सूर्यवंश होता है। क्योंकि ज्ञान सूर्य ही सारी सृष्टि का बीज है। जो ताम्रध्वज, हाँ पीकाक मोर, हाँ मोरध्वज। मोर जिसको मोर का ध्वज है, ताज है। मोर का ताज किसको दिखाया जाता है? हैं? कृष्ण को दिखाया जाता है। हाँ, तो नाम दे दिया है मोरध्वज। और फिर दूसरा नाम भी दिया है ताम्रध्वज। तांबे का युग कौन सा होता है? द्वापर युग, ताम्र। और क्या हुआ, भाषा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही क्या? पूजे जाते हैं सारा मंदिर में, हैं? मंदिर में गणेश जी की पूजा पहले पहले क्यों होती है? क्योंकि पहले पहले पवित्रता का पालन गणेश ने किया है, जिनको माथे पर कौन सा ध्वज दिखाते हैं? मोर का ध्वज दिखाते हैं। भला पूरा पवित्रता का पालन नहीं किया, लेकिन बाप ने कहा पवित्र रहो, अंदर से समझा नहीं कि वास्तव में गहराई की पवित्रता क्या है। क्या है गहराई की पवित्रता? गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है या जंगल में जाके पवित्र रहना है? तो पवित्र रहना होता है, गृहस्थ में रह के पवित्र रहना है। ये है पवित्रता का मूल मंत्र। तो भले वो बात समझी नहीं, लेकिन पवित्र तो रहे, तो उनको ताज दिखाया गया है मोर का। ये ऊंची पवित्रता की बात है। भले नहीं समझा तो भी पवित्रता को पालन कर रहे। सन्यासी लोग ने पवित्रता के राज को पूरा समझा क्या? समझा या नहीं समझा? क्या नहीं समझा? ये नहीं समझा कि दूरबाज होकर, खुशबाज होकर के कोई पवित्रता को धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है। दूर रह के पवित्रता को पालन कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नजदीक रह करके पवित्रता के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना मन को कंट्रोल कर लेना, यही बड़ी बात है, इंद्रियों को कंट्रोल करना। तो भी पवित्रता के प्रति प्यार तो है। किसको? सन्यासियों को या गृहस्थियों को? है सन्यासियों को। तो उन सन्यासियों की लिस्ट में कृष्ण वाली आत्मा पहले आती है। इसलिए उनकी पहले पूजा होती है। पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। तो पहली पहली प्योरिटी धारण किसने की? 63 जन्मों में भी पहले पहले प्योरिटी को धारण करने वाले कौन बने? सन्यासी बने या गृहस्थी राजाएं बने? सन्यासी बने। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी पहले पहले प्योरिटी धारण किसने की? ब्रह्मा कुमारियों ने की या रुद्र माला के मणकों ने की, जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं? किसने की? है तथाकथित ब्रह्मा कुमारियों ने की। बड़े सफेद कपड़े वाले सन्यासी हैं किसकी फॉलोअर? हैं दादा लिंगराज ब्रह्मा के फॉलोअर हैं। तो पहला नंबर उनका जाता है। पूजा करने के लिए उनकी बुद्धि पवित्र है कि जैसे ही माँ बाप ने बोला वैसे ही तुरंत किया। सोचना विचारना कुछ नहीं। ऐसे विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है, लेकिन डायरेक्शन जो तुरंत फॉलो किया जाता है वो ताजा डायरेक्शन है। बासी करके जो डायरेक्शन लिया जाता है उसमें टाइम लग जाता है। और चक्र होते हैं। जो भी हो उनका अर्थ कोई खास नहीं है। जो अष्टदेव हैं वो ही 8 चक्र हैं सारी सृष्टि के। सारी सृष्टि का ज्ञान उनमें समाया हुआ है। सबसे ऊपर का चक्र है सहस्त्रासार, सहस्त्र भुजाओं वाला भगवान। वहां तक पहुंचने के बाद फिर कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता। आत्मा संपन्न बन जाती है। मनुष्य आत्मा ऊर्ध्वरेता बन जाती है। ऊपर की ओर बुद्धि जाएगी, बुद्धि नीचे की ओर नहीं जाएगी। बुद्धि की शक्ति क्षीण नहीं होगी, बुद्धि की शक्ति ऊर्ध्वरेता बनेगी। और प्रश्न तो बहुत है, भाषा प्रॉब्लम। हाँ, देखने के आगे तीन मोतियों के अंदर प्रवेश कर रही है। नहीं, 3 मोतियों के अंदर प्रवेश किया। यज्ञ के आदि माने 36 में, 36 में तो प्रजापिता में ही कार्य किया। प्रवेश तो किया, लेकिन भक्ति का फाउंडेशन डालने के लिए माता में प्रवेश किया, क्योंकि माता आधार है, भक्ति आधार है। और ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए पिता में प्रवेश किया, जो बीज है। बीज बाप को कहा जाता है। बाद में तो ब्रह्मा आता है, वो माता आती है जिसके प्रैक्टिकल कार्य व्यवहार को देख करके ब्रह्मा बाबा को निश्चय बैठ गया। प्रैक्टिकल मूर्ति भी तो है 3 मूर्तियों में। एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाली, वो आदि ब्रह्मा हो गया माता के रूप में। एक है समझने समझाने वाली, वो प्रजापिता हो गया। एक है प्रैक्टिकल कर्म करने वाली, तो ब्रह्मा बाबा को निश्चय किससे बैठा है? प्रैक्टिकल कर्म करने कराने वाली मूर्ति ने समझाया, उसके कर्म के प्रैक्टिकल कर्म के आधार पर ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बैठा कि मैं कृष्ण की सोल हूँ, या पहले दो के आधार पर बुद्धि में बैठ गया कि मैं कृष्ण की आत्मा हूँ? प्रैक्टिकल जब उस माता ने समझाया अपने प्रैक्टिकल कर्म के द्वारा, तो इनको निश्चय बैठ गया। इसलिए पहली मूर्ति है भक्ति का फाउंडेशन डालने वाली माता, जिसे ब्रह्मा कहा गया, जगदम्बा। दूसरी मूर्ति है प्रजापिता, और तीसरी मूर्ति है प्रैक्टिकल पार्ट अदा करने वाली विष्णु की मूर्ति। जब प्रैक्टिकल संसार देखेगा ज्ञान के प्रभाव को, तो मानेगा, या सिर्फ कहलाने से और समझने समझाने से ही मान जाएगा? दुनिया कब मानेगी? जब प्रैक्टिकल देखने में आवेगा तब मानेगी। अभी ज्ञान समझते समझाते तो बहुत हैं एडवांस पार्टी में, लेकिन प्रैक्टिकल में परिवर्तन क्या देखने में आ रहा है? मेंटलिटी चेंज हो रही है, या जहां के तहां खड़े हैं? ज्ञान के आधार पर तो कहेंगे कि ज्ञान बहुत तीखा है, बहुत ऊंचा है, कोई बात का जवाब नहीं है किसी के पास, लेकिन प्रैक्टिकल में तो देखने में नहीं आता। माने तीन मूर्तियां प्रत्यक्ष होंगी संसार के सामने, तभी तो जय जयकार होगी। आदि में तो तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष ही नहीं थी। किसी को पता था कि ब्रह्मा बनने वाला कौन है? ये तो ब्रह्मा का नाम तब से पड़ा है जब से कराची में आए हैं। कराची से पहले जब सिंध हैदराबाद में सत्संग चल रहा था, तो ओम मंडली नाम था या ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम था? ओम मंडली नाम था। ब्रह्मा को भी निश्चय तब हुआ है जब कराची में आकर के फाउंडेशन पड़ा है। शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो सन 47 से ये प्रत्यक्षता हुई ब्रह्मा के द्वारा, जब उनके तन में प्रवेश करके मुरली चलाना शुरू की। पहले बाबा मुरली चलाते ही नहीं थे, 10-15 पेज बैठ करके अमृत वेले लिखवाते थे, ब्रह्मा बाबा लिखते थे, फिर उसकी लिथो कापियां निकाली जाती थी, वो फिर सुनाई जाती थी संगठन में। मुरली कहाँ चलती थी? ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा के द्वारा मुरली चलना तब शुरू हुई जब सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, खून की नदियां बही, और कन्याएं माताएं जो 7-7 तालों के अंदर बंद थी, वो निकल करके बाबा के पास भाग गई कराची में। तो बाबा को जोश आ गया, शक्तियों से शक्ति मिलती है ना। कौन सी शक्तियों से शक्ति मिलती है? विविचारी शक्तियों से शक्ति मिलती है, या विविचारी शक्तियों से शक्ति, शिव शक्तियों से शक्ति मिलती है? अब विविचारी शिव शक्तियों से शक्ति मिलती है। तो शिव बाबा को फोर्स आ गया ब्रह्मा के द्वारा, वाणी चल पड़ी। वो वाणी फिर जगत विख्यात हो गई वेद वाणी के रूप में, जो कहा जाता है ब्रह्मा के मुख से वेद वाणी निकली, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। वेद वाणी के महावाक्य पत्थर की लकीर हैं, बल उनके अर्थ कोई समझे या न समझे। ब्रह्मा ने भी उस वाणी का अर्थ नहीं समझा, बल नहीं समझा, तो वो महावाक्य पक्के पत्थर की लकीर है, उन्हें कोई टाल नहीं सकता। होने के बाद चतुरानन पंचानन, हाँ यज्ञ के आदि में तीन ही मूर्तियां थी। क्या यज्ञ माता थी, दूसरी माता थी और प्रजापिता था। यही तीनों मूर्तियां थी ना, जो आद में थी वो अंत में फिर प्रत्यक्ष होती है। हो गई प्रत्यक्ष या नहीं, साकार में है या नहीं है। तो बीच वाली दो मूर्तियां कौन सी? बीच में कौन सी दो मूर्तियां ब्रह्मा की बन गई? सन 47 से ओम राधे और ब्रह्मा बाबा। इनको भी निश्चय पैदा हुआ ना बाद में। ओम राधे बीच में आई या पहले आई? बीच में आई। ओम राधे के आधार पर ही ब्रह्मा बाबा को निश्चय बैठा। ओम राधे विचार सागर मंथन में आगे थी। उसने जो विचार सागर मंथन किया वो शिव बाबा ने भी नहीं किया। कौन सा पॉइंट किया? हाँ, आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा भी वैसा ही होना चाहिए जैसी आत्मा बिंदु होती है। ये पॉइंट बहुत मार्के का पॉइंट है। इसके आधार पर सारा ज्ञान का ठाट खड़ा हुआ है। तो मम्मा के निकलने से ब्रह्मा बाबा भी निकल पड़े, उनको भी निश्चय आ गया। नहीं तो ब्रह्मा बाबा की युगल का नाम तो यशोदा था। यशोदा से ज्यादा फोर्स मिला ब्रह्मा बाबा को या ओम राधे मम्मा से ज्यादा फोर्स मिला? ओम राधे मम्मा से फोर्स मिला। तो दो मूर्तियां ये बीच में हो गई। आदि वाली मूर्ति जो है यज्ञ के आदि में, वो प्रजापिता है। उसके साथ माता भी है। और बाबा करने के टाइम पंपा नदी में स्नान करता है ना, क्या पंपा उसमें स्नान करके फिर अय्यप्पा दिखता है नदी। पंपा कौन है? नदी नदी पहले के जाने के पहले पंपा नदी में जाने के लिए सबरीमला अय्यप्पा टेम्पल जाते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अय्यप्पा टेम्पल जो जाते हैं और जाने से पहले एक नदी में स्नान करके जाते हैं। वहाँ पे वो प्रसिद्ध नदी है, वहाँ पे प्रसिद्ध नदी है, वो प्रसिद्ध नदी। हाँ, उस नदी की खासियत क्या है? पंपा नाम बोलते हैं। पंपा और अड़ुदा दो नदी है वहाँ पे फेमस। पंपा और अड़ुदा, अड़ुदा अणुदा अड़ुदा अड़ुदा दो नदी है वहाँ पे। क्या ये है महिमा है? अब ये तो वहाँ की सारी विशेषता बताई जाए तभी पता चले ना उन दोनों नदियों की क्या विशेषता है। उन दोनों नदियों में है पहले पंपा नदी में स्नान करते हैं। तो नदियों में स्नान करके ही तो अय्यप्पा के पास पहुंचा जाता है। अय्यप्पा कोई दूसरा थोड़ा ही है जो मार लगाता है तो मुंह से निकलता आई। तो वहां तो तभी पहुंचा जाता है जब नदी में स्नान करके जाएंगे। अब वो पंपा का तो नदी के बारे में विशेषता है, विशेष बातें बताई जाएं तभी तो पता चलेगा। दक्षिण भारत की बातें हैं, दक्षिण भारत की भाषा तो आप ही लोग ज्यादा जानेंगे। शक्ति मार्ग दिए, विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए शंकर अच्छा भक्ति मार्ग है। विश्वामित्र வந்து त्रिशंकुக்காக சங்கடப்படுகிறார்। विश्वामित्र அவர் வந்து त्रिशंकुக்காக சங்கடப்படுகிறார்। அது தேகத்துல वो क्या है, विश्वामित्र ऋषि है ना, वो क्या है, वो स्वर्ग को ये करता है, स्वर्ग जाने के लिए तपस्या करते हैं और स्वर्ग का ये भी करता है, निर्माण करता है। वो बोलते हैं वेद में उसका विश्वामित्र है कौन, विश्व का मित्र कौन है, सारे विश्व का 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है, सबका दोस्त सबका मित्र कौन है, दुश्मन किसी का नहीं है। वो एक ही है जो सबका मित्र है, वो कौन है? हैं? हाँ, शिव बाबा। अकेला शिव नहीं, जिस साकार में प्रवेश करता है उस साकार के साथ शिव बाबा ही सारे विश्व का मित्र है। अकेला बाबा साकार विश्व का मित्र नहीं है, राम वाली आत्मा विश्व का मित्र नहीं है, लेकिन राम में जब वो निराकार राम प्रवेश करता है तब वो पर्सनालिटी सारे विश्व का मित्र है, वो ईश्वर ग्रस्ती है। कहते हैं विश्वामित्र ने तपस्या से स्वर्ग रचा। तपस्या कौन करेगा, भगवान करेगा या साकार मनुष्य करेगा? साकार मनुष्य तपस्या तपता है, तो उसकी तपस्या से स्वर्ग का निर्माण हुआ। है? है तो पंखा के बीच में तुम्हारी सारी आवाज गुम हो गई। सुनो आप, विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई। माया किसी को छोड़ती है क्या? है? 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें से माया किसी को छोड़ती है? छोड़ती है? किसी को नहीं छोड़ती। तो विश्वामित्र को भी नहीं छोड़ती। रम्भा, उर्वशी, मेनका, उनका पार्ट क्या है? रम्भा माने रमण कराने वाली, जिसने भगवान को सबसे जास्ती रमण कराया उसका नाम रम्भा पड़ गया। जास्ती मिलन मेला कौन मनाता है? हा? अरे भगवान के साथ जास्ती मिलन मेला कौन मनाता है? हा? इसलिए उसका बहुत मेला बड़ा लगता है। हा? जगदम्बा और रम्भा हो गई। उर्वशी माने जो दिल में बस गई, और माने हृदय, भगवान के भी दिल में बस गई। भगवान के दिल में कौन से बच्चे बस जाते हैं? हैं? सच्चे बच्चे। कैसे पता चले ये सच्चे हैं? आज की मुरली में यही बात बताइए। बहुत अमृत वेला भी अच्छा किनका होगा? सर्वसेवल बच्चे। तो जो गंगा है वो भी भगवान के दिल में बस जाती है। जो दिल में बस जाती है उसको सर के ऊपर रखते हैं प्यार से। तो क्या नाम पड़ा, कहाँ बसी, उर्वशी। और फिर मैन का, मैन माने क्या, मैन माने मुखिया, का माने क्या, ये मुख्य है क्या? अरे तीन परियों में मुख्य कौन है? तीनों परियों में मुख्य कौन सी है? हैं? उर्वशी मुख्य है, जगदम्बा मुख्य नहीं है, हैं? अगर जगदम्बा ना होती तो उर्वशी निकलती है? अगर जगदम्बा सरेंडर ना होती तो उर्वशी ज्ञान में निकलती क्या? नहीं निकलती। तो मुख्य कौन हुई? जगदम्बा। उसके बाद मुख्य कौन हुई? उर्वशी। तो थर्ड क्लास को मैन कहेंगे क्या? थर्ड क्लास को मैन कहेंगे या नहीं कहेंगे? मैन माने मुख्य, नहीं कहेंगे। तो कौन हुई? अरे तीन ही तो नदियां, गंगा यमुना सरस्वती। एक है गंगा, एक है जगदम्बा सरस्वती, और एक है यमुना। ये माँ का पूछती है, हाँ। में 5 लिखा दासी बनती है, हाँ। इसका अर्थ क्या है? काम विकार है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में कोई तो सबसे बड़ा काम ही होगा। परसेंटेज में काम विकार होता है या सब में एक जैसा होता है? तो कोई तो होगा जिसमें 100% काम विकार भरा हुआ हो। शास्त्रों में दिखाया है कि वो भी देवता है, काम विकार का देवता है। कौन है? कामदेव। वो कामदेव जो है वो बाण मारता है काम के, भगवान को भी हिला देता है, उनको भी क्रोध आ जाता है। तो कोई है दुनिया में जो सबसे बड़ा कामी है? नाम दिखाया है गौतम। गौ माने इंद्रियां, तम माने श्रेष्ठतम, जिसने इंद्रियों का श्रेष्ठतम सुख भोगा है, सबसे ज्यादा सुख उसने भोगा है। तो इंद्रिय का सबसे ज्यादा सुख किसने भोगा? हाँ? हाँ? जोर से बोलो ना। गौतम ऋषि। वो कौन है गौतम? यही तो समस्या है। ये तो शास्त्रों का नाम है। इस्लाम धर्म का बीज वो हो गया गौतम ऋषि। ये हो गया काम विकार। कौन सा जानवर दिखाया जाता है काम विकार के रूप में? कुत्ता। पांडवों के साथ कुत्ता गया कि नहीं गया? हैं? गया। तो अगर काम विकार जाएगा तो उसकी सेना भी पीछे पीछे जाएगी कि नहीं? है? काम विकार का कुत्ता जो मुखिया है वो भी स्वर्ग में चला गया तो पीछे पीछे दूसरे भी जाते हैं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी जाते हैं। तो कौन सा धर्म है जो क्रोधियों में प्रसिद्ध है? हैं? क्रिश्चियन धर्म। वो क्रोधियों में बहुत प्रसिद्ध है। तो क्रिश्चियन धर्म का बीज कौन है? नहीं मालूम। अरे काम विकार का जब बीज पता चल गया कामदेव, तो क्रोधी क्रिश्चियन धर्म का बीज पता नहीं चला? है? अग्निदेव। हाँ, कामाग्नि कह सकते हैं। ऐसे तो क्रोधाग्नि भी है लेकिन ज्ञान के हिसाब से, एडवांस ज्ञान के हिसाब से वो आत्मा कौन सी है जिसकी तरफ इशारा किया जाए, वो क्रिश्चियन धर्म का भी बीज है। अच्छा, क्रिश्चियन धर्म का आधार कौन है? क्रिश्चियन धर्म का जो आधार है वो भी तो यज्ञ के अंदर मौजूद है ना। अभी जिंदा है कि शरीर छोड़ दिया? जिंदा है, तो उसका बीज भी होगा जिंदा। जब एडवांस ज्ञान की शुरुआत होती है तो चारों धर्मों के बीज मौजूद होते हैं या नहीं होते हैं? हा? देवता, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, चारों धर्म मौजूद होते हैं ना। तो क्रोधियों का बीज कोई था कि नहीं यज्ञ के आदि में? यज्ञ के आदि में भी था, एडवांस के आदि में भी था। वो क्रोध में आता है तो सारी एडवांस पार्टी को हिला के रख देता है। सन 98 में भी हिला के रख दिया था उसने। क्या लोग तो समझते हैं कि दशरथ भाई मुखिया थे हिलाने वालों में, लेकिन वो मुखिया नहीं थे जो विष्णु पार्टी बना के बैठे हैं। उन्होंने पूछा था बाबा से, क्या हम एडवांस पार्टी के आदि में जो निकले थे, जो अभी विरोधी बन गए हैं, उनकी सेवा करने के लिए, उनको उठाने के लिए जाएं? तो बाबा ने कहा जाओ भल, लेकिन वो आदि के बीज हैं, उनको उठाने के लिए पावरफुल आत्माएं चाहिए। तो वो अहंकार में आके चले गए। चले तो गए, लेकिन उनके प्रभाव में आ गए या उनको प्रभाव मिलाए? उनके प्रभाव में आ गए, क्योंकि वो पावरफुल आत्मा है। जो 12 सूर्यवंशी हैं, उनमें 8 तो हैं स्थापनाकारी और पालनाकारी, बाकी 4 क्या हैं? विनाशकारी है, नष्ट देव हैं। उन नष्ट में देव में से जो पहला विधर्मी है वो तो काम विकार का बीज हो गया, और जो लास्ट है वो क्रोध विकार का बीज हो गया है, क्रिश्चियन धर्म का बीज। फिर लोभियों का भी कोई होगा कि नहीं है? लोभियों का भी बीज है। मोह का भी बीज है, और फिर अहंकार का भी बीज है। ये पांचों विकार के 5 बीज हैं। वो बीज रूप आत्माएं स्वर्ग में जाती हैं कि नहीं? है? जाती हैं। बीज का तो कभी नाश होता ही नहीं। बीज का परिष्कार होता है, लेकिन बीज का नाश नहीं होता। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों सतयुग में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। बीज कैसे दास दासी बनते हैं? लोग, राम के 4 भाई दिखाए गए, राम के 3 भाई दिखाए गए हैं? राम तो देवता धर्म का हो गया, वो तो गद्दी पे बैठता है, राम राज्य की गद्दी पे आराम से, और बाकी छत्र लेके कौन खड़ा होता है? कोई खड़ा होता है कि नहीं? पंखा कौन डुलाता है? चंवर। मक्खी और मच्छर झाड़ता रहता है। वो दास दासी हुआ या राजा हुआ? दास दासी हुआ। बाबा, अष्टदेव में 2 प्रकार है। अष्टदेव में 2 प्रकार है, सूक्ष्म बीज है, हाँ जी। कौन सा मानते हैं? स्थूल बीज, जो सूक्ष्म बीज है वो ऊपर से आते हैं, परमधाम से। क्या वो ऊपर से आने वाली आत्माएं कोई में प्रवेश करती हैं आधार लेकर के, वो आधार मूर्त हो गए, उनको जन्म देने वाले बीज रूप हो गए। और इस तरह अष्टदेव में होता है कि आधार और प्रवेश करने। क्यों अष्टदेव में क्यों होंगे? आधार जड़ बुद्धि होते हैं कि सूक्ष्म बुद्धि होते हैं? अष्टदेव के बारे में पूछ लेते हैं। तो अष्टदेव के बारे में ही तो बता रहे हैं कि अष्टदेव बीज रूप आत्माएं हैं, सूक्ष्म आत्माएं हैं, सूक्ष्म बुद्धि वाली हैं, या आधार रूप जड़त्वमयी बुद्धि वाली हैं? वो तो सूक्ष्म है, जड़त्वमयी बुद्धि जो होते हैं उनमें प्रवेश करते हैं ऊपर से आने वाले धर्मपिताएं। और ओसामा बिन लादेन को मारा गया, कितनी बार बता दिया ओसामा बिन लादेन के बारे में? सुना नहीं क्या? अभी उसके बारे में कभी बताया नहीं, ओसामा बिन लादेन के बारे में? अरे भले मारा गया, उसके बारे में बताया कि नहीं? बताया? क्या बताया? ओ शामत आ गई, शामत। ओ साम आ, क्या हुआ? ओ शामत आ गई, शामत। ओ सामा, बिना लाई दिए नहीं छोड़ूंगा, जो कुछ है तन मन धन वो सब ला रख दे, नहीं तो मारता हूं गोली। डकैत लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? डकैत लोग यही तो करते हैं, गोली दिखाई, बंदूक दिखाई, लाओ जो कुछ है निकालो और रख दो, बिना लाए दिए छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। तो उनको आतंकवादी कहेंगे, डकैत कहेंगे, क्या कहेंगे? हैं? आतंकवादी। आतंकवादियों में दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी कौन साबित हुआ? अरे सबसे बड़ा आतंकवादी कौन साबित हुआ लौकिक में? है? अरे ओसामा बिन लादेन अभी तो बोल रहे थे, भूल गए? अपने ही आप पूछते, अपने आप भूल गए। वो तो लौकिक में हुआ। ब्राह्मणों की दुनिया का सबसे बड़ा ओसामा बिन लादेन कौन है जो भगवान बन के बैठता है? मैं ही भगवान हूँ, तन मन धन सब कुछ यहाँ अर्पण करो, बहू बेटी बहन सब, रोटी बेटी सब यहाँ ला करके देख दो, तब तो छोड़ूंगा नहीं, तो छोड़ूंगा नहीं। कौन भगवान बन के बैठ जाता है, कहता है मैं ही भगवान हूँ? हाँ, वो दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा गुरु है देहधारी। अभी तक बड़ी बड़ी मुठभेड़ें हुई, उनमें नहीं मरा। क्या? एक छोटी सी मुठभेड़ हो गई, मारा गया। हर हर बम बम, बम फटेंगे तो विनाश होगा। हर हर बम बम की नगरी कौन सी है? है बॉम्बे। तो बॉम्बे में ये छोटा सा बम फटा, पता चला? नहीं पता चला है? ये छोटा सा बम फटा। जिस बम का जवाब ओसामा बिन लादेन के पास नहीं। 31 मार्च की आखिरी तारीख थी इस सीजन की, घोषणा कर दी ये आखिरी मिलन मेला है इस सीजन का। तो सच्ची बात बोली या झूठी बोली? सच्ची बोली। फिर 13 तारीख को फिर आ गए बुलाने से। क्यों आ गए? जब घोषणा कर गए कि ये आखिरी मिलन मेला है इस सीजन का, तो फिर 13 तारीख को बुलाने से क्यों आ गए? हैं? बम्बई में जो बम फटा, छोटा सा पहला बम फटा सैंपल के रूप में, क्या बम था? उसका हेडिंग था ब्रह्मा कुमारियां बताएं नहीं तो हम बताएंगे, हेडिंग। और उसमें 8 पॉइंट थे नीचे। जैसे पहला पॉइंट था नहीं, भगवान अगर सर्वव्यापी बताते हो, सर्वव्यापी नहीं है, बताती है ना ब्रह्मा कुमारियां तथाकथित, क्या बताती है? भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है वो तो बताएं, क्यों नहीं बताती? छुपा के क्यों रखा हुआ? जो बताने वाला है वो उसे खुद तो मालूम होना चाहिए कि नहीं मालूम होना चाहिए? हैं? मालूम होना चाहिए, फिर बताती क्यों नहीं? कहाँ है एक व्यापी? इसका जवाब वो देंगे। ऐसे ही 7 और प्रश्न हैं। तो घबरा गए, बम्बई से उनके पास समाचार पहुंच गए, 13 तारीख को बाप दादा आए, थपथपा के चले गए, जैसे और बार आते हैं थपथपा के चले जाते हैं। 20 बार उनसे पूछा जाता है क्या भगवान का साकार पाठ चल रहा है या नहीं चल रहा है? क्या भगवान शंकर के रूप में आया है या नहीं आया है? पूछने वाले पूछते नहीं है? कितनी बार पूछा, थपथपा के चले जाते हैं। ऐसे ही फिर आए और फिर थपथपा के चले गए, लेकिन अंदर से समझ गए कि अब नहीं किनारा लगने वाला है। देवान सारा टूट गया कि मैं ही भगवान हूं। तो यहाँ मरना किसे कहा जाता है? देहभान टूटना माना मरना। और अरे के बारे में क्या? आज मुरली में आया था ना, से सजा देता। हाँ, एक होता है मुख से समझाना, समझाने से कोई मान जाता है, समझाने से नहीं मानता है तो फिर वो बैलों को चलाने वाला एक डंडी होती है, उसमें कांटा लगा रहता है, चुबा के लगाते हैं बैल को। जिनकी मोटी चमड़ी होती है, मोटी बुद्धि होती है, तो उनको वो अरई लगाई जाती है। हाँ, तो अरई लगाने से बैल उछल पड़ता है, भागने लगता है। मोटी चमड़ी वालों के लिए आरई प्रयोग की जाती है, मोटी बुद्धि वालों को। कोई को आरई भी काम नहीं करती। बाप दादा अव्यक्तवाणी में कितनी आरई लगाते हैं, ऐसे बने हो, ऐसा किया है। मोटी बुद्धि वालों को उनकी कोई असर नहीं। जो गेंडा होते हैं ना, गेंडा, उनको कोई असर नहीं होता आरई का। जी विश्वनाथ मंदिर बोलते हैं ना, पहले बोलते हैं गंगा बाद में बोलते हैं, क्यों पूछ रहा है? हाँ हाँ, काशी माने पवित्र, काशी माने पवित्रता, काशी माने पवित्रता को धारण करने वाली। काशी शिव बाबा तो एवर प्योर है, तो जो एवर प्योर बाप है उसको क्या प्रिय है? पवित्रता प्रिय है। तो कौन सी नगरी प्रिय है? काशी नगरी प्रिय है, पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया के सारे कार्य पवित्रता से होते हैं या अपवित्रता से होते हैं? दुनिया के सारे कार्य पवित्रता से होते हैं, वो पवित्रता से होते हैं। तो पवित्रता जो इतनी बड़ी शक्ति है, वो बड़ी से बड़ी शक्ति योगियों में होगी या भोगियों में होगी? और योग लगाने वाली पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम क्या है? पार्टी। योग लगाने वाला ग्रुप जो है उसका नाम क्या है? कौन सी माला? रुद्र माला। तो रुद्र माला में कोई मणका होना चाहिए जो सबसे जास्ती पवित्रता की पावर को धारण करने वाला हो, है या नहीं है? है, बल वो त्रिमूर्ति में नहीं है, तीन देवताओं में नहीं है, लेकिन रुद्रमाला में वो मणका मौजूद है, उसका महत्व है। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी का नाम पहले है, विश्वनाथ का नाम बाद में है, गंगा का नाम उसके भी बाद में है। क्यों? काशी का नाम पहले क्यों? अगर प्योरिटी को आगे न रखा जाता तो रुद्रमाला के मणकों के बीच में जो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ने वाली बात है, नई दुनिया का फाउंडेशन एनएस, नया संगठन, वो भी नहीं पड़ता। फाउंडेशन डालने के लिए माता चाहिए, पवित्र माता चाहिए, या बिना माता के काम हो जाएगा? हैं? माता चाहिए। यज्ञ की आदि वाली माताएं तो चली गई, दोनों माताएं चली गई, राजधानी का फाउंडेशन तो नहीं पड़ा। उन माताओं को जाने के बाद मम्मा आई, ओम राधे मम्मा, वो भी चली गई, नई दुनिया का फाउंडेशन तो नहीं पड़ा। दिल्ली में नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ा क्या? है? नहीं पड़ा। जगदम्बा आई, नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ा क्या? है? वो भी नहीं। गंगा आई, एडवांस पार्टी के आदि में गंगा आई या नहीं आई? वो भी आई, वो भी गई। नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ा क्या? नहीं पड़ा। फिर कब पड़ा? है? काशी नगरी आई तो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया। नई दुनिया नहीं बन गई, फाउंडेशन। फाउंडेशन गहराई में डाला जाता है, खोद करके नीचे गहराई में डाला जाता है या ऊपर डाला जाता है? गुप्त फाउंडेशन पड़ गया। तो ये काम प्योरिटी से होता है या इम्प्योरिटी से होता है? प्योरिटी से होता है। इसलिए जगन्नाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। जगन्नाथ मंदिर में कौन सी तीन आत्माएं दिखाई जाती है? जगन्नाथ कौन है? कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा जगन्नाथ है, जगत पिता है। और बलभद्र कौन है? बलराम कौन है? सोचने वाली आत्मा। और सुभद्रा कौन है? भद्रा माने कल्याणकारी, सु माने सुंदर कल्याणकारी। राजधानी की स्थापना करने में निमित्त बने, इससे ज्यादा सुंदर काम और क्या होगा? भारत नहीं है ना, यहाँ पे तमिलनाडु दक्षिण भारत में ही है ना? क्या तमिलनाडु भी है दक्षिण भारत में ही है, लेकिन दक्षिण में है। हाँ, लेकिन यहाँ पे भारत की भाषा को ऐसे क्यों कर लिया? ऐसे दूसरा बिना समझ। भारत एक देश है, क्या है भारत? क्या है? देश है। और देश में अनेक प्रकार के लोग होते हैं या एक ही प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के। सब नंबरवार होते हैं कि सब अव्वल नंबर होते हैं? सब नंबरवार होते हैं। तो उनमें एक ऐसा भी है कि तुम हमसे मिलोगे तो हम तुमसे मिलेंगे, तुम नहीं मिलोगे तो हम नहीं मिलते। तो ये अच्छा दोस्त है या खराब दोस्त है? ये तो खराब दोस्ती हो गई। अच्छी दोस्ती क्या है? तुम हमसे मिलो या न मिलो, बात करो या न करो, हमको सहयोग दो या न दो, हमने तुमसे दोस्ती की है तो हम अंत तक निभाएंगे, हम तुमसे मिलते रहेंगे, हम मिलने के लिए मना नहीं करेंगे। लेकिन तमिलनाडु क्या करता है? तमिलनाडु क्या करता है? हैं? तुम हमसे नहीं मिलते तो हम तुमसे नहीं मिलते। तमिलनाडु में कोई अम्मा प्रसिद्ध है? जयअम्मा है। अभी क्या है? नहीं, अभी क्या है? हैं? अभी कुछ नहीं है। अभी इलेक्शन होने वाला है। हो गया, हो गया। अभी रिजल्ट नहीं खुला। 13 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। एक वीक के बाद रिजल्ट आने वाला है। हाँ, तो देखो क्या होता है। जयअम्मा की सबसे ज्यादा दोस्ती इस दुनिया में किसके साथ थी? कोई व्यक्ति है जिसके साथ उनकी बहुत दोस्ती भी थी? है? किसके साथ? शशिकला। वो तो माता हुई ना। भाई का नाम बताओ। या जब अम्मा है तो कोई साथ में बप्पा भी तो हो ना। नहीं नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनकी दोस्ती थी या दुश्मनी थी? बहुत दोस्ती थी। कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में अटल बिहारी वाजपेयी और जयअम्मा? हैं? जयअम्मा हो गई जगदम्बा। तुम हमसे नहीं मिलते तो हम तुमसे नहीं मिलते। सरेंडर हुए थे तब हुए थे, दोस्ती की थी तब की थी। अब हम ज्यादा समझदार हो गए। तो ये विदेशियों की नीति है या स्वदेशियों की नीति है? हैं? विदेशियों की नीति है। स्वदेशी नीति नहीं है। स्वदेशी वो जो सारी दुनिया से प्यार करे। शिव बाबा है स्वदेशी। शंकर का पार्ट क्या है? स्वदेशी है या विदेशी है? हैं? विदेशी है। अरे बाप विदेशी बन करके आता है नहीं विदेशी। क्या बोला? बाप विदेशी बनकर आए हैं, है नहीं विदेशी। ओम शांति।